हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेनोस्फेयर। जब से इसरो का विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूटा है, तभी से इसरो के वैज्ञानिक फिर से विक्रम के साथ कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को पहली कामयाबी तब मिली थी जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज शूट की थी। इसके बाद इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर की मून की सरफेस पर क्रैश लैंडिंग हुई है। पर यहाँ खुशी की बात ये थी कि क्रैश लैंडिंग करने के बाद भी विक्रम लैंडर टूटा नहीं था, जिसके बाद हम सबको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अब इसरो के वैज्ञानिक जल्दी से जल्दी विक्रम के साथ कनेक्शन स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। पर अभी तक भी कोई खास कामयाबी इसरो के हाथ नहीं लगी है। लेकिन अब वैज्ञानिक लैंडर और ऑर्बिटर के बीच कनेक्शन स्थापित करने की एक और बड़ी कोशिश करने पर विचार कर रहे हैं। अपनी इस कोशिश में वैज्ञानिक चंद्रयान के ऑर्बिटर का ऑर्बिट छोटा करने की सोच रहे हैं, यानी ऑर्बिटर अब जहां चक्कर लगा रहा है उसे उस जगह से हटाकर मून की सरफेस के थोड़ा पास लाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे ऑर्बिटर लैंडर विक्रम के ज़्यादा पास आ जाए। इससे ऑर्बिटर और लैंडर के बीच की दूरी कुछ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्बिटर विक्रम लैंडर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सटीक सिग्नल्स भेज पाएगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक ऑर्बिटर का ऑर्बिट छोटा कर ऑर्बिटर को मून की सरफेस के करीब ले आते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में ऑर्बिटर का काफ़ी फ्यूल खत्म हो जाए। लेकिन अब जो भी हो, अगर विक्रम लैंडर को फिर से काम करने के लिए रेडी करना है तो हर पॉसिबल वे ट्राई करना ही होगा। आपको क्या लगता है, क्या इसरो को यह बड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट कर ज़रूर बताएँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।